Dear students, welcome to NIT Polytechnic online learning platform. We bring you the most relevant content in a most attractive digital format. Myself, A.V. Giretkar, lecturer, Civil Engineering Department, NIT Polytechnic, Nagpur. Today, we learn. A course, maintenance and repairs of structure. Before the introduction, I tell you, as per new AICT guideline, our POs are changed. Before that, there are 10 POs, but as per new guideline and revised POs are only 7, and that are basic and discipline specific knowledge, PO2 problem analysis, PO3 design and development of solutions, PO4 engineering tools, experimentation and testing, PO5 engineering practices for society, sustainability and environment, PO6 is the project management, and PO7 is lifelong learning. Okay, so in this lecture, the learning outcome means after completion of this video lecture, student will be able to select the relevant method of maintaining different building structures, and LO is explain the concept of retrofitting, re-strengthening, rehabilitation and restoration, and PO or MAP are PO1, PO2, PO4, PO6 and PO7. Dear student, before 1.1.1 maintenance and its classification, I introduce this subject or course, which is completely new course, just introduced last year. Dear students, we all know that to upkeep the natural human body structure, न्यूट्रिशन फूड इज इसेंशियल, है ना? अपने बॉडी को अपन क्या जरूरत है कि अपन रोज खाना खाते हैं, तो उससे अपने को क्या मिलता है? एनर्जी मिलता है. ओके, वी ऑल नो दैट टू अपकीप द नेचुरल ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चर न्यूट्रिशन फूड इज इसेंशियल सो दैट इट कैन बी कैरी आउट नेसेसरी ड्यूटीज ऑफ द ह्यूमन बींग. तो जो एनर्जी मिलती है उससे अपन अपना काम करते हैं, अपनी ड्यूटीज निभाते हैं. इन केस ऑफ एनी माइनर ट्रबल इन द बॉडी, अगर अपने बॉडी में कुछ प्रॉब्लम होता है तो अपन क्या करते हैं? वी टेक मेडिसिन टू क्योर इट. वो अच्छा करने के लिए, अपनी बॉडी अच्छा करने के लिए अपन मेडिसिन लेते हैं. दस टॉकिंग ऑफ न्यूट्रिशन फूड, टेकिंग ऑफ न्यूट्रिशन फूड इज nothing but the maintenance of our body, and to cure our body by taking the medicine is the repair of our body, is the well example of the maintenance and repairs. Okay, so ye subject mein apan maintenance aur repair ye sirf apan बिल्डिंग के बारे में अपन पढ़ने वाले हैं. देयर आर टू टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, वन इज द इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर एंड रेसिडेंट बिल्डिंग एंड इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर. ओके, तो बिल्डिंग में भी रेसिडेंशियल बिल्डिंग आती है, कमर्शियल बिल्डिंग्स आती है. ओके, तो अपन सिर्फ इसमें कमर्शियल हो या रेसिडेंशियल हो, बिल्डिंग के बारे में सिर्फ मेंटेनेंस एंड इस रिपेयर्स उसके बारे में इसमें पढ़ने वाले हैं. ओके, तो आपको समझ में आया मेंटेनेंस और रिपेयर्स क्या होता है? तो मेंटेनेंस
मेंटेनेंस किसको बोलते हैं? जैसे अपन ने अभी बोला कि अपने बॉडी को फूड लेके लेके लेने की जरूरत है, मतलब फूड रिफ्लेक्स और गेन्स द एनर्जी टू आवर बॉडी, है ना, मतलब उससे अपने बॉडी का मेंटेनेंस होता है। तो मेंटेनेंस की डेफिनेशन कैसे करेंगे? इट इज डिफाइंड एज द प्रोसेस इन विच एक्शन आर कैरिड आउट टू रिस्टोर और रिटेन अ स्ट्रक्चर टू इट्स ओरिजिनल स्टेट टू परफॉर्म फंक्शन, है ना, बराबर ना। अपन जो फूड खाते हैं तो उससे अपने को क्या मिलता है? एनर्जी। और वो एनर्जी अपन कहाँ पे यूज करते हैं? अपन काम करने में, तो उससे अपने को क्या मिलता है? एनर्जी मिलती है ना। सो वैसे सेम अपन मेंटेनेंस के ये बिल्डिंग के बारे में लिखा है यहाँ पे। इट इज डिफाइंड एज द प्रोसेस इन विच एक्शन आर कैरिड आउट टू रिस्टोर और रिटेन अ स्ट्रक्चर टू इट्स ओरिजिनल स्टेट टू परफॉर्म फंक्शन। ओके, सो देन क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटेनेंस। मेंटेनेंस आर क्लासिफाई इन थ्री वेज। फर्स्ट इज द रूटीन और डेली मेंटेनेंस, है ना। डेली होने वाले मेंटेनेंस को क्या बोलते हैं? रूटीन और डेली मेंटेनेंस। फॉर सिंपल एग्जाम्पल अगर अपन इसको बोलेंगे तो डेली अपन अपने घर में क्या करते हैं? झाड़ू लगाते हैं, है ना। तो इज द सिंपल रूटीन और डेली मेंटेनेंस, ठीक है। सेकंड इज द प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस मतलब अभी कोरोना काल चालू है ना, तो गवर्नमेंट क्या कर रही है? अपने को वैक्सीनेशन प्रोवाइड कर रही है। तो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस मतलब कोरोना नहीं होना चाहिए या अपनी इम्यूनिटी पावर बढ़ना चाहिए, उसके लिए अपने को क्या दे रही है? वैक्सीनेशन दे रही है। तो इज द प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, है ना, फॉर एग्जाम्पल, है ना। सेकंड, थर्ड इज द रिमेडियल मेंटेनेंस। ओके, थर्ड इज द रिमेडियल मेंटेनेंस आर द मेन क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटेनेंस। देन वी सी द वन बाय वन इन डिटेल। रूटीन और डेली मेंटेनेंस। रूटीन और डेली मेंटेनेंस इज द मेंटेनेंस एक्टिविटीज दैट आर शेड्यूल इन एडवांस एंड ऑकर ऑन ए रेगुलर बेसिस सच एज वीकली, मंथली, क्वार्टरली, सेमी एनुअली और एनुअली। देखो, रूटीन और डेली मेंटेनेंस इज द मेंटेनेंस एक्टिविटी, ये ऐसी एक्टिविटी है दैट आर शेड्यूल इन एडवांस, यानी पहले ही अपन उसको प्लान करके रखते हैं, है ना, एंड ऑकर ऑन ए रेगुलर बेसिस सच एज वीकली, मंथली, है ना, क्वार्टरली एंड 3 मंथ, 3 महीने में, सेमी एनुअली 6 मंथली और एनुअली मीन्स मंथली इज द रूटीन और डेली मेंटेनेंस। अंडर दिस टाइप ऑफ मेंटेनेंस सिंपल एंड स्मॉल स्केल एक्टिविटीज एसोसिएटेड विथ रेगुलर टू अपकीप द स्ट्रक्चर अगेंस्ट नॉर्मल वियर एंड टीयर। उससे क्या होगा कि जो स्ट्रक्चर है वो नॉर्मल वियर और टीयर उसका रहेगा, ठीक है, तो वो इससे कंप्लीट हो जाएगा। देन बिल्डिंग मेंटेनेंस वर्कर्स कंडक्ट रेगुलर इंस्पेक्शन टू डिटरमाइन द एरियाज दैट नीड मोर अटेंशन एंड परफॉर्म द टास्क। ओके, एंड देन प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। द प्रिवेंटिव मेंटेनेंस ऑफ ए स्ट्रक्चर मीन्स इम्प्रूविंग अ क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड मेक्स इट मोर ड्यूरेबल विथ फंक्शनली स्ट्रॉन्ग। ओके, मैंने आपको वैक्सीनेशन का एग्जाम्पल दिया, तो ये बिल्डिंग के बारे में क्या बोल रहे हैं? द प्रिवेंटिव मेंटेनेंस ऑफ ए स्ट्रक्चर मीन्स मतलब क्या होता है? इम्प्रूविंग अ क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी इंप्रूव करने का, एंड मेक्स इट मोर ड्यूरेबल विथ फंक्शनली स्ट्रॉन्ग। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस इज ए रेगुलर और रूटीन फॉर पीरियोडिकल इंस्पेक्शन,
with a goal of attending small problems and fixing them before major. Okay, means कि जैसे अपन हर एक साल के बाद में पेंटिंग करते हैं, क्यों पेंटिंग करते हैं? तो जो अपनी वॉल का स्ट्रक्चर है आउटर साइड, है ना, वो कंटिन्यू प्रॉपर रहे. अगर अपन मेंटेनेंस नहीं करेंगे, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस नहीं लेंगे, तो क्या होगा, अंदर में बारिश का पानी आ सकता है ना, यानी मॉइस्चर आ सकता है. ओके, तो उसको प्रिवेंट करना मतलब होने के पहले ही अपन उसका पेंटिंग करना, मींस प्रिवेंटिव मेंटेनेंस. तो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस इज ए रेगुलर और रूटीन फॉर पीरियोडिकल इंस्पेक्शन. मतलब अपन कैसे 2 साल 3 साल के बाद में अपन पेंटिंग करते हैं, तो विथ ए गोल ऑफ अटेंडिंग स्मॉल प्रॉब्लम्स एंड फिक्सिंग देम बिफोर मेजर. ओके, देन प्रिवेंटिव मेंटेनेंस इज अ प्लान मेंटेनेंस एक्टिविटी. है ना, अपन सोच के रखते हैं कि 3 साल बाद या 1 साल बाद मुझे पेंटिंग करना ही है. सो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस इज ए प्लान मेंटेनेंस एक्टिविटी एम टू प्रिवेंट द डैमेज एंड इनहांस द रिएबिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर. मतलब जो अपनी बिल्डिंग का रिएबिलिटी है स्ट्रक्चर की, वो बढ़ाना. देन रिमेडियल मेंटेनेंस. रिमेडियल मेंटेनेंस मतलब क्या होता है? रिमेडियल मेंटेनेंस इज द रिमूवल ऑफ एनी डिके और एंड एज डैमेज पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर सच दैट स्ट्रक्चर कैन परफॉर्म वेल फंक्शनिंग. मतलब कि सपोज कुछ पार्ट अगर है बिल्डिंग का, वो अगर डैमेज हुआ है, तो अपन क्या करेंगे, वो पार्ट को अपन निकालेंगे और अच्छे से उसमें, सपोज कुछ प्लास्टर अगर बेकार हुआ है, तो वो उतना पोर्शन का प्लास्टर अपन निकालेंगे और नया प्लास्टर वहां पे प्रोवाइड करेंगे, इज अ रिमेडियल मेंटेनेंस. है ना, अगर कोई पार्ट अगर बेकार हुआ तो उसको निकाल के रिप्लेस करने का. ओके, रिमेडियल मेंटेनेंस इज द रिमूवल ऑफ एनी डिके एज डैमेज पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर सच दैट स्ट्रक्चर कैन परफॉर्म वेल फंक्शनिंग. ओके, देन नेक्स्ट इज द दिस मेथड ऑफ मेंटेनेंस इज जनरली यूज्ड टू कैरी आउट द रिपेयर्स व्हेन द स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चरल एलिमेंट डैमेज बिलो द लेवल ऑफ एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड्स. है ना, ये कब करते हैं, जब अगर कोई एखादा एलिमेंट अगर एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड से अगर डैमेज हुआ है, तो उसको रिप्लेस करना, मतलब रिमेडियल मेंटेनेंस. है ना, रिमेडियल मेंटेनेंस इज आल्सो रेफर्ड एज करेक्टिव मेंटेनेंस. इसको करेक्टिव मेंटेनेंस भी बोलते हैं. विच बिकम्स द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ मेंटेनेंस, कवर्स ऑल एक्टिविटीज इंक्लूडिंग रिप्लेसमेंट और रिपेयर ऑफ एलिमेंट्स दैट हैज फेल्ड टू अ पॉइंट एट विच इट कैनॉट परफॉर्म द फंक्शंस टू इट्स कैपेसिटी. है ना, देन फर्दर ड्यू टू द सम रीजंस अ स्ट्रक्चर में शो सम साइन ऑफ डैमेज और डिस्ट्रेस दैट एक्शन ऑफ रिपेयर्स शुड बी टेकन अप विदाउट कॉजिंग फर्दर डैमेज टू द स्ट्रक्चर. मतलब अगर कहीं पर अगर ज्यादा अगर ट्रेसेस आए, कोई बीम है वहां पे अगर ट्रेसेस आए, तो कैसे क्रैक अगर होता है, तो वहां पे इस टाइप का फर्दर ड्यू टू द सम रीजंस लोड अगर बढ़ गया, है ना, उसका डिजाइन लोड से अगर ज्यादा हो गया लोड, तो फर्दर ड्यू टू द सम रीजंस अ स्ट्रक्चर मे शो सम साइंस ऑफ डैमेज. मतलब क्रैक आना मतलब क्या हुआ, वो स्ट्रक्चर का वो साइन दे रहा है कि अभी लोड ज्यादा हो रहा है, मुझसे अभी वो सस्टेन नहीं हो रहा है. है ना, और डिस्ट्रेस देन एक्शन ऑफ रिपेयर, मतलब अभी आपको इसमें एक तो लोड कम करना पड़ेगा, अगर लोड नहीं कम कर सकते तो मुझे रिस्ट्रेन करना पड़ेगा या मुझे रिपेयर करना पड़ेगा. है ना, रिपेयर शुड बी टेकन अप विदाउट कॉजिंग फर्दर डैमेज, यानी बिल्डिंग गिरने से पहले वो अपने को कुछ साइंस देता है. है ना, मतलब आप कोई तो भी उसमें मेंटेनेंस करो या मुझे बदलो.
So is the remedial maintenance. Okay, then common term, there are some common terms, जैसे अपन ने CO में पढ़े हैं, it is well underscored by the structural community that structural strengthening, repair, retrofitting, rehabilitation, restoration are integral part of today's construction under the maintenance and repair techniques. Okay, मतलब अपने वो कॉमन टर्म कौन से आने वाले हैं. स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथनिंग मतलब क्या, रिपेयर मतलब क्या, रिट्रोफिटिंग मतलब क्या, रिहैबिलिटेशन मतलब क्या, रिस्टोरेशन मतलब क्या, है ना. तो ये जो वर्ड्स है इसके डेफिनेशन और इसका मीनिंग अपने को मालूम होना बहुत जरूरी है. सो रिपेयर, ओके, सो रिपेयर, रिपेयर मतलब क्या होता है. The process of replacement of damaged part or components of a structure with new of similar size or quality and number. For example, dear students, आप सभी लोग टू व्हीलर चलाते हैं, ठीक है. टू व्हीलर चलाते हैं तो कुछ दिनों के बाद में सपोज आपके गाड़ी का टायर अगर 10 बार पंचर हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो टायर का कंडीशन या लाइफ खत्म हो गया है ना. तब अपन क्या करेंगे, उसका रिपेयर करेंगे, मतलब वो टायर अपन नए टायर से रिप्लेस करेंगे. तो इज द रिपेयर, है ना. तो रिपेयर मींस द प्रोसेस ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ डैमेज पार्ट और कंपोनेंट्स ऑफ ए स्ट्रक्चर विथ न्यू ऑफ सिमिलर साइज और क्वालिटी एंड नंबर. वैसे बिल्डिंग के बारे में भी, अगर बिल्डिंग का कोई पार्ट अगर बेकार हुआ है तो उसको रिप्लेस करना मतलब रिपेयर ऑफ द बिल्डिंग. ओके, देन नेक्स्ट इज द, इसका ही दूसरा डेफिनेशन ऐसा भी है, रिपेयर इज द प्रोसेस ऑफ रिकंस्ट्रक्टिंग और रिन्यूइंग एनी डैमेज पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर सो दैट स्ट्रक्चर परफॉर्म्स इट्स फंक्शन बिफोर इट वॉज. ओके, देन और तीसरी डेफिनेशन ये है, रिपेयरिंग इन विच रिमूवल ऑफ एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स सो एज टू मेक देम इन ऑपरेशनल कंडीशन विथ सेफ. ओके, जो भी आपको इजी लगती है वो आप डेफिनेशन लिख सकते हो. ओके, देन सेकंड इज द रेट्रोफिटिंग. रेट्रोफिटिंग मतलब क्या होता है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ इनहांसिंग द रेजिस्टेंस ऑफ डैमेज और वीक स्ट्रक्चर बाय एप्रोप्रिएट टेक्निक ऑफ मेंटेनेंस एंड रिपेयर्स. रेट्रोफिटिंग मतलब इट इज द प्रोसेस ऑफ इनहांसिंग रेजिस्टेंस ऑफ डैमेज, मतलब कोई एखादा कॉलम है, ओके, वो और आपका स्ट्रक्चर का अगर लोड बढ़ रहा है, ठीक है, तो वो कॉलम वो उतना लोड नहीं सहन कर पाएगा, तो क्या करेगा, करना पड़ेगा उसको रिस्ट्रेंथनिंग और रिट्रोफिटिंग, मतलब उसका साइज अपने को बढ़ाना पड़ेगा फ्रॉम फाउंडेशन. तो उसको बोल देंगे अपन रिट्रोफिटिंग भी बोल सकते हैं, उसको रिस्ट्रेंथनिंग भी बोल सकते हैं. तो रिट्रोफिटिंग मतलब इट इज अ प्रोसेस ऑफ इनहांसिंग द रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बढ़ाना, इनहांसिंग मीन्स बढ़ाना, इट इज द प्रोसेस ऑफ इनहांसिंग द रेजिस्टेंस ऑफ डैमेज और वीक स्ट्रक्चर बाय एप्रोप्रिएट टेक्निक ऑफ मेंटेनेंस एंड रिपेयर्स. ओके, देन और अगेन दूसरी डेफिनेशन, द प्रोसेस ऑफ स्ट्रेंथनिंग ऑफ ए स्ट्रक्चर अलोंग द स्ट्रक्चरल सिस्टम सो एज टू कंप्लाई विथ ऑल रिलेवेंट कोडल प्रोविजंस दैट आर इन फोर्स ड्यूरिंग दैट पीरियड. ओके, मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि रिट्रोफिटिंग और रिस्ट्रेंथनिंग बोथ आर सेम. ओके, देन इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज द ऑपरेशन और प्रोसेस in which replacing, re-strengthening, repairing, etc. to be carried out to improve the performance of damaged structure is known as the retrofitting or re-strengthening.
Okay, then the basic purpose of retrofitting is to upgrade the strength. ठीक है, ये function अच्छे से याद रखो, क्योंकि MCQ question में पूछ सकते हैं. State the function, basic purpose or function of the retrofitting. The basic purpose of retrofitting is to upgrade the strength, rigidity and ductility of existing building in order to meet the requirement of safety and comfort. Okay, then next is the re-strengthening. The process of increasing load resistance capacity of structure or portion. मैंने already आपको बताया है ना, means now 230 by 230 का अगर कॉलम है और लोड उसका बढ़ रहा है तो उसको 300 by 300 कर सकते हैं, 500 by 500 कर सकते हैं, है ना? But it is from foundation, है ना? Foundation से उसका re-strengthening करना पड़ेगा. So और it is the process of adding strength to any part of an existing building to provide higher strength than its original, है ना? Is the re-strengthening. Then rehabilitation. Rehabilitation मतलब क्या होता है? The process of repairing the structure to meet desired useful condition. Upgradation of structure to meet present need. ठीक है? Rehabilitation मतलब क्या होता है? The process of repairing the structure to meet desired usable condition. मतलब कोई अगर एक आधा हाउस है, वो हाउस अपन यूज नहीं कर रहे हैं तो उसका कंडीशन बेकार हो जाएगा, लेकिन उसके बाद में और अपने को वहां पे उसको यूज करना है तो अपने को कुछ रिपेयरिंग, मेंटेनेंस और रिपेयरिंग करना पड़ेगा वो हाउस का. मतलब क्लीनिंग हो गया, उसके बाद में कुछ फ्लोरिंग वगैरह रिप्लेसमेंट, प्लास्टरिंग, पेंटिंग, जो भी नीड है ना, तो वो प्रोसेस. द प्रोसेस ऑफ रिपेयरिंग द स्ट्रक्चर टू मीट डिजायर यूजफुल कंडीशन, मतलब उसको यूजफुल कंडीशन में लाने का. अगर ड्रेन कुछ चोक हुए होंगे तो उसको क्लीन करने का, है ना, तो उसको अपने यूजफुल कंडीशन में लाने का मतलब रिहैबिलिटेशन. ओके, अपग्रेडेशन ऑफ स्ट्रक्चर टू मीट प्रेजेंट नीड. जो अपनी प्रेजेंट नीड है वहां तक उसको अपग्रेड करने का मीन्स रिहैबिलिटेशन. ओके, और इसको रिहैबिलिटेशन इज ए प्रोसेस ऑफ रिटर्निंग ए स्ट्रक्चर टू इट्स अर्लियर कंडीशन और प्रायर टू डैमेज. बेकार होने के पहले, है ना, उसको और पहले कंडीशन में, जैसे अपन नया कंस्ट्रक्ट करते हैं तो वैसे कंडीशन में उसको लाने का मतलब रिहैबिलिटेशन ऑफ ए स्ट्रक्चर. ओके, रिहैबिलिटेशन इज ए प्रोसेस ऑफ returning a structure to its earlier condition. Then next is the restoration. The process of re-establishing the materials from and form and appearance of a structure is the restoration. The process of re-establishing the materials, hai na, form and appearance of a structure is the restoration, or it is the most restrictive term than rehabilitation, in which replication of structure as originally as it was built. Okay, then the term restoration is a process of regaining the original strength of structure before damage occurs. Okay, restoration, the term restoration is a process of regaining the original strength, hai na, pehle jaisi strength thi waise strength of structure before damage, damage hone ke pehle usko waisi pehle ki strength dena, matlab restoration karna. Okay, the restoration is mainly carried out to increase the strength of load bearing elements by addition of temporary structure, addition of more structural elements, increasing the
डायमेंशन ऑफ लोड बेरिंग एलिमेंट्स एक्सेट्रा. देखो द रिस्टोरेशन इज मेनली कैरिड आउट, कैसे कैरिड करते हैं, टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ लोड बेरिंग एलिमेंट्स. लोड बेरिंग एलिमेंट्स मतलब जैसे कि इंक्रीज द लोड बेरिंग एलिमेंट्स कौन से होते हैं, लोड बेरिंग स्ट्रक्चर में उसकी वॉल्स है ना, बाय एडिशन ऑफ टेम्पररी स्ट्रक्चर, एडिशन ऑफ मोर स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स इंक्रीजिंग द डायमेंशन ऑफ लोड बेरिंग एलिमेंट्स. ओके देन समरी, इन दिस टॉपिक वी लर्न मेंटेनेंस एंड इट्स क्लासिफिकेशन. मेंटेनेंस मतलब क्या होता है एंड इसके क्लासिफिकेशन देयर आर थ्री टाइप्स. ओके एंड कॉमन टर्म्स लाइक रिपेयर, रिट्रोफिटिंग, रीस्ट्रेंथनिंग, रिहैबिलिटेशन एंड रिस्टोरेशन. ओके सो थैंक यू वेरी मच. नाउ दिस असाइनमेंट शुड बी सॉल्व एंड सबमिट इन गूगल क्लासरूम. तो इसमें कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, जैसे डिफाइन मेंटेनेंस, स्टेट द क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटेनेंस, डिफाइंड रिपेयर्स, रिट्रोफिटिंग एंड रिस्ट्रेंथनिंग, डिफाइंड रिहैबिलिटेशन, रिस्टोरेशन, है ना, ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. इसको आपके कॉपी में लिखने का, उसको पीडीएफ बनाने का और वो गूगल क्लासरूम में अपने नाम से क्या करने का, सबमिट करने का. जिनका सबमिशन होगा उनका ही अटेंडेंस हम यहाँ पे अटेंडेंस लेंगे, अदरवाइज आपको अब्सेंट किया जाएगा. ओके सो दिस इज द असाइनमेंट. ओके थैंक यू वेरी मच.